यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है BHU की कि मतलब पहले दिन अगर शुरू हुआ जो ये 21 तारीख के शाम को जो हुआ घटना कि एक लड़की थी जो यहाँ क्या कहते हैं BHU कैंपस के अंदर से कहीं जा रही थी और कुछ लड़कों ने बाहर के थे कि वो अंदर के थे, वो ये कंफर्म नहीं है कि वो बाहर के ही थे, वो अंदर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी, इनके साथ उन लोगों ने बदतमीज़ी की और बहुत गलत सलूक भी किया। लेकिन वो लड़की अगर वहाँ पे कुछ बोली तो वहाँ पे बैठे हुए जो यहाँ के प्रशासन के जो नियुक्त पुलिस कर्मचारी थे उन लोगों ने उनसे अगर वो संपर्क करने गई तो वो बोलने की क्या कहते हैं आप इतने बजे 6 बजे शाम को यहाँ पे क्यों घूम रहे थे, आप लोगों को 6 बजे अपने हॉस्टल में होना चाहिए था, जो कि बहुत ही गलत बयान था उन लोगों की तरफ से। आप समझ सकते हैं इस बात को, वो बेहोश हो चुकी थी वो लड़की और प्रॉक्टर सिर्फ खड़ी थी वहाँ पे, वहाँ से सिर्फ 15 कदम कह ले 15 कदम की दूरी पर थी और वो लड़की चिल्ला रही थी और प्रॉक्टर नहीं गए। हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी मांग की थी कि हमें यहाँ पे इक्वालिटी और सेफ्टी दोनों चाहिए, ना ही सिर्फ सेफ्टी ना ही सिर्फ इक्वालिटी, दोनों चाहिए हमें एक साथ। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा कहाँ से बन गया ये बात हमें समझ में नहीं आया। अगर हम दिन में है कुछ लड़कियाँ झुंड में जा रही हैं तो फिर उनको लड़के बोलते हुए जाते हैं, उनका दुपट्टा खींचते हुए जाते हैं, अगर अकेले में है तो उनको टच करते हुए जाते हैं, यही सब होता है। अब तो लग रहा है कि हमने जो पढ़ा था नारी दशा नारी व्यवस्था तो कुछ अंतर तो नहीं दिख रहा है अभी भी, 21वीं सदी और जाने कौन सी सदी। VC आप और जगह देख रहे होंगे, VC ने कहा है हमने लड़कियों से मुलाकात की है, ये सरासर झूठ है, VC ने हमसे मुलाकात नहीं की है। और लड़कियों को हॉस्टल से खाली कराने की धमकी दी गई थी, उनसे कहा गया था कि आप नहीं निकलेंगे तो आप पे लाठी चार्ज होगा। डायरेक्ट ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया कि नहीं हम लोग लाठी चार्ज करने जा रहे हैं, उसमें लाठी चार्ज हुई स्टूडेंटें पे जो छात्रा थी उस पर लाठी चार्ज हुई, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया और ना तो महिला पुलिस ने लाठी चार्ज किया, ये पुरुष पुलिस जो थे लाठी चार्ज किए, मैक्सिमम 10 से लड़कियाँ ज़्यादा घायल हो चुकी हैं। बात हम ये नहीं है कि हम कहाँ से हैं या कितनी दूर से हैं, बात ये है कि हमारे उज्जवल भविष्य जहाँ हम अपने भविष्य को बनाना चाहते थे वहीं से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं मानती हूँ कि यहाँ के हॉस्टल्स के रूल्स बहुत ही ख़राब लड़कियों के, वो एक तरह से लगता है मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे कैद करके रखा जाता है, एक मतलब इतना धर्म और राष्ट्रवाद की भावना जो है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कैद करके आप अपने राष्ट्रवाद को बचा सकते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि लड़की को बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़की कैसे पढ़ेगी, लड़की बचेगी तभी तो पढ़ेगी वो। हमारे वार्डन से कहते हैं ये तो बनारस की आम बात हो चुकी है कि वो तुमको छेड़ के चले जा रहे हैं, अब तो कपड़ों के अंदर भी हाथ डालना शुरू कर दिए, जिस लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाला गया है, तो अब हम इससे ज़्यादा और क्या बताएं कि यहाँ पे किस तरह की इनसिक्योरिटी फील होती है। कुछ नहीं है सर, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही है पुलिस जी सो रहे हैं, लड़कियों के साथ छिड़कानी हो रही है वहीं पे बस पड़े हैं, लड़कियाँ चिल्लाएं कुछ भी करें लड़की आवाज़ भी उठाती हैं बस दबा दिया जाता है, यही हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये था तो ये सिर्फ एक नारा ही बन के रह गया है, काश उसके लिए कुछ किया भी होता। और उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर जी यहीं पे थे तो उन्होंने अगर वो चाहते तो वो भी इस आंदोलन को बंद करा सकते थे, वो किसी भी अपने भाजपा नेता को भिजवा दिए होते और वो कार्यकर्ता जाके अगर VC सर से बात किए होते उनको बुलाया होता तो सब कुछ माहौल शांत हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने बस अपना रास्ता बदल लिया। हम लड़कियां हैं, आधी आधी जनसंख्या हमसे जुड़ी हुई है, आधे हिंदुस्तान के आधे हम हैं, जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या रह जाएगा।